नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आप सभी का प्राइम टीवी में। प्रदेश की जनता को हर उस बजट के दिन का बेहद इंतजार होता है, क्योंकि उस बजट में आम जनता से लेकर मध्यम वर्गीय से लेकर अपर क्लास तक की जनता को एक उम्मीद मिलती है और उनके लिए क्या कुछ योजनाएं सरकार के द्वारा दी गई है ये भी पता चलता है। और आज योगी सरकार 2.0 का, योगी सरकार दूसरी बार बनने के बाद जनता को जिस घड़ी का इंतजार था, आखिरकार वो घड़ी आ गई। और भाजपा सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में छठवीं बार बजट पेश किया। इस बजट में किस तबके का फायदा हुआ और किसको कितनी सौगात मिली, देखिए हमारी रिपोर्ट। महिला पीठ आरक्षी नामित करते हुए महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। और ये बजट नहीं, ये बंटवारा है। आगामी 5 वर्षों में 2 करोड़ स्मार्टफोन ऑब्लिक टैबलेट वितरित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित। संकल्प पत्र पूरा न किया हो उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो इस छठे बजट में। प्रदेश के 1.78 करोड़ लाभार्थी परिवारों को लाभ दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित। वह पथ क्या पथ है कुशलता क्या, जिस पर पथ पर बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। इन्हीं पंक्तियों के साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया। यूपी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जब चमड़े के बैग की जगह टैबलेट लेकर विधानसभा सदन में प्रवेश किया तो ये देखने और सुनने वालों के लिए चर्चा का विषय बना, क्योंकि टैबलेट तक पहुंचने में यूपी के बजट को 72 साल लग गए। 6 लाख करोड़ से ज्यादा के बजट में किसानों से लेकर महिलाओं और युवाओं तक सबके लिए सौगात है। इस बजट के साथ जहां भाजपा ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनावों से पहले जनता को भी साधने की योगी सरकार कोशिश करती दिखी। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपना छठा और योगी सरकार ने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया है। इस दौरान सबसे पहले बीजेपी को दोबारा यूपी की कमान सौंपने के लिए धन्यवाद दिया। इसके बाद वो पिछले 5 साल के दौरान यूपी सरकार और 8 साल के दौरान की केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए नजर आए। जिसके बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सभी सेक्टरों का पिटारा खोलते हुए महिलाओं और किसानों के लिए खास सौगात दी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रदेश में महिला सुरक्षा के लिए 720 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। साथ ही ये भी ऐलान किया कि बहराइच और कानपुर में एटीएस सेंटर की स्थापना हो रही है। जबकि कोरोना काल में चरमराए स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने की दिशा में भी यूपी सरकार ने हेल्थ सेक्टर के लिए एक बड़ा बजट दिया है। इन निवेशों से 5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। आगामी 3 जून को इन्वेस्टर्स समिट की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जाएगा। उत्तर प्रदेश 5 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला प्रदेश बन गया है। लखनऊ एवं वाराणसी में वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों तथा कुशीनगर में नवीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ ही जेवर में नोएडा ग्रीन फील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ उत्तर प्रदेश शीघ्र ही 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला प्रदेश बन गया जाएगा। अब अगर बजट पेश हुआ है तो राजनीति में गर्माहट आना भी लाजमी है। और जैसे ही बजट पेश हुआ, बिना देर करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने मीडिया के सामने भाजपा के बजट को असफल बताते हुए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि योगी सरकार हमेशा ही दावा करती रही कि किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी, मगर अब तक ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर भी सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि घोषणाओं में तो नौकरी के तमाम दावे किए जाते हैं, मगर हकीकत में ऐसा नहीं होता है। जबकि इस बजट को जन आकांक्षाओं के मुताबिक बजट को अनुकूल बताते हुए सीएम योगी ने कहा कि यह बजट अगले 5 साल के विकास का लक्ष्य दर्शा रहा है और उज्जवल भविष्य का ड्राफ्ट बजट कहा जाना चाहिए। यह बजट प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जन आकांक्षाओं के
भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रख करके गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, श्रमिक और समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रख करके बनाया गया है। और ये बजट नहीं, ये बंटवारा है। नेता विपक्ष कितना नंबर देंगे? नेता विपक्ष इस सरकार को इसलिए नंबर नहीं देंगे, जिन्होंने पिछले 5 साल का अपना संकल्प पत्र पूरा ना किया हो, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं इस छठे बजट में। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 6015 लाख करोड़ रुपए के बजट को पूरे 90 मिनट में पढ़कर खत्म किया। ये राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इसमें प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस बजट के जरिए भाजपा ने अपनी मंशा जाहिर करते हुए ये साफ कर दिया कि महिलाओं और किसान को ध्यान में रखते हुए इस बड़े बजट का निर्माण किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए क्या कुछ कहा है। प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जनपदों के समस्त 1535 थानों पर महिला बीट आरक्षी नामित करते हुए महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, जिस पर ससम्मान उनकी शिकायतों का निराकरण कराया जा रहा है। इससे महिलाओं में सुरक्षा की भावना जागृत हुई है, उनकी शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई तत्काल की जा रही है। प्रदेश के जनपदों में 2740 महिला पुलिस कर्मिकों को 10370 महिला बीटों का आवंटन किया गया है। महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी हेतु 3 महिला पीएससी बटालियन लखनऊ, गोरखपुर तथा बदायूं का गठन किया जा रहा है। अगस्त 2020 में गठित महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन का क्रियान्वयन पर्यवेक्षण अपर पुलिस महानिदेशक महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है। युवाओं के लिए प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से 25 दिसंबर 2021 से निशुल्क टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 12 लाख टैबलेट स्मार्टफोन वितरण हेतु जनपदों को उपलब्ध कराए जा चुके हैं तथा वितरित किए जा रहे हैं। लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 में आगामी 5 वर्षों में 2 करोड़ स्मार्टफोन / टैबलेट वितरित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 10,547 करोड़ 42 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना हेतु 620 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 2949 चिकित्सालयों को आबद्ध किया गया है। प्रदेश के 1.78 करोड़ लाभार्थी परिवारों को लाभ दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित है। अब तक 1.84 करोड़ व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। योजना हेतु 560 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। और वही कई मायनों में यह बजट खास रहा। 3 महिला पीएससी बटालियन भी गठित होगी, साथ ही साथ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के तहत टॉपर छात्राओं को लैपटॉप भी दिया जाएगा। मिशन शक्ति को 20 करोड़ का बजट दिया गया है। कहीं ना कहीं मिशन शक्ति को और बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश की महिलाओं को, प्रदेश की युवतियों को और सुरक्षित और मजबूत बनाने का जो पूरा कार्य है वो सरकार द्वारा किया जाएगा। इस बजट में महिलाओं की भागीदारी और महिलाओं के लिए कई अहम योजनाएं भी रही। 5 साल में 2 करोड़ फोन और टैबलेट सरकार बांटेगी। युवा अधिवक्ताओं के लिए 10 करोड़ का बजट आया है, यानी कि जो युवा अधिवक्ता है उनके लिए भी यह बजट कई मायने में खास है। 3 साल तक किताब और पत्रिका खरीद सकेंगे। बनारस में क्रिकेट स्टेडियम के लिए 95 करोड़ का बजट लाया गया है। कहीं ना कहीं खेल जगत को भी पूरी तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है। स्टेडियम के निर्माण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। मेरठ में ध्यानचंद यूनिवर्सिटी के लिए भी 50 करोड़ इस बजट में दिया गया है। 5 साल में 4 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य। जिस तरह से लगातार सरकार पर नौकरियों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर निशाना साधा जा रहा था, कोरोना काल के बाद तमाम युवा बेरोजगार हुए, बेरोजगारी की मार तमाम लोग झेल रहे थे, जिसको देखकर इस बजट में खास युवाओं के लिए
बेरोजगारों के लिए भी जो खास है वो ये है कि 5 साल में 4 लाख नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। माध्यमिक शिक्षा को भी लेके 7,540 पदों पर भर्ती की जाएगी। मेडिकल कॉलेजों में 10,000 पद भरे जाएंगे। मेडिकल कॉलेज को लेकर के पहले भी कई हंगामे हुए हैं, नीट की परीक्षा को लेकर के हंगामे हुए, कोरोना काल के बाद डॉक्टरों के लगातार हड़ताल हुए हैं। इन सबको खासा ध्यान रखते हुए और स्वास्थ्य महकमे को और मजबूत बनाने के लिए स्वास्थ्य सेक्टर में जो बड़ी योजनाएं दी गई हैं ये बेहद अहम है। कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से देश के स्वास्थ्य व्यवस्था को, प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कमर कस ली है और जिस तरह की योजनाएं और जिस तरह का बिल स्वास्थ्य सेक्टर के लिए है, कहीं ना कहीं इससे साफ दिखता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था और भी मजबूत होगा प्रदेश का। वहीं वृद्धावस्था पेंशन 500 से बढ़ाकर 1,000 कर दी गई है। दिव्यांगों को राहत राशि जो दी जाती थी 300, उसको बढ़ाकर अब 1,000 कर दी गई है, जिसमें महिला सुरक्षा, किसान कल्याण, बाल कल्याण, सामाजिक सुरक्षा के संकल्प, सीएम लघु सिंचाई योजना के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही एक्सप्रेसवे, सोलर लाइट, सोलर पंप के लिए भी बजट पेश किया गया है। कानपुर मेट्रो के लिए भी बजट पेश किया गया, आगरा मेट्रो के लिए भी बजट जारी किया गया है। तो जिस तरह से यह बजट सामने आया है और इस बजट में हर सेक्टर को लेकर एक अहम बजट पेश किया गया है, कहीं ना कहीं से जनता को उम्मीद है। और इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले मैं उनका परिचय आपसे करा दूं। नितेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, अजय प्रकाश अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूनम कपूर जी समाज सेविका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अनिल शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे और बजट के आने के बाद से ही उन्होंने लोगों के जो मत है वो जाने कि इस बजट से लोग कितने खुश हैं। साथ ही साथ हम सबसे पहले अनिल शुक्ला जी के पास आएंगे। अनिल शुक्ला जी, योगी सरकार 2.0 का ये पहला बजट था, साथ ही साथ मंत्री सुरेश खन्ना जी ने 6वें बजट पेश की, किस तरह से खास होने वाला है आम जनता के लिए ये बजट? ये जो आज बजट पेश हुआ है, उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। 6.15 करोड़ का ये बजट, मैं समझता हूँ इसके पहले जितने भी बजट आए हैं उन सबसे बड़ा बजट है। और बजट के अंतर ये पूरी तरीके से प्रयास किया गया है कि समाज का कोई तबका बिना लाभ के न छूटे, सबको ध्यान में रख करके बजट बनाया गया है। जहाँ एक तरफ गांव के किसानों का ध्यान किया गया, वहीं महिलाओं की सुरक्षा और उनके रोजगार के लिए बड़े पैमाने पर इसमें प्रबंध किए गए हैं, श्रमिकों को ध्यान में रखा गया है, तमाम हमारे जो समाज के बुजुर्ग लोग हैं उनको ध्यान में रखा गया है। सरकारें ये सरकार लोगों की ज़रूरतों को समझ करके अपनी नीतियां बनाती है जी। आज हम 60 साल से जो ऊपर हैं, वो चाहे हमारे पुरुष हों चाहे हमारी महिलाएं हों, और अगर पत्नी है तो दोनों को 1,000 रुपया, 500 की जगह बढ़ा करके दोनों को 1,000 रुपया, तो 2,000 और अभी 1,500 प्रस्तावित है, तो अगर इतना मिलने लगेगा तो फिर उनको बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा जी। इसी तरीके से जो हमारे विकलांग जन हैं उनको भी 1,000 रुपया, दिव्यांग जनों को भी जी। इसी तरीके से जो जहाँ जहाँ पे जो ज़रूरतें हैं उनको सरकार ने पूरा करने का प्रयास किया है जी। पहले क्या था, अगर आपको याद हो कांग्रेस के टाइम पे जब ये महिला पेंशन मिलती थी तो 60 साल तक मिलती थी जी। 60 साल के बाद बंद हो जाती थी जी, जी। क्योंकि उनको यही नहीं ध्यान था कि कब जरूरत है जी, वो जी। कहते थे 60 साल बाद लड़के बच्चे खुद जिम्मेदारी उठाएं अपने माँ बाप की, लेकिन आज जो स्थिति है समाज की तो आप समझ ही रही हैं जी। तो हमारी सरकार उस तरह काम नहीं कर रही, हमारी सरकार समाज में कब किसको क्या जरूरत है उसको कैसे पूरा कर जाए किया जाए ये काम करने काम कर रही है जी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जो अछूता हो। अब रह गई बात, मैं तो समझता हूँ कि जितनी भी विरोधी पार्टियाँ भी हैं उनको भी, चूंकि अब वो समय नहीं रह गया कि आप झूठ बोल करके चले जाएंगे और फिर आप सत्ता में दोबारा आ जाएंगे, अब लोग होशियार हो गए हैं। जो कुछ भी
आपने कमिटमेंट किया है जी। आप जो भी लोगों के सामने जो कुछ भी लेके आए हैं तो उसको आपको यू हैव टू इम्प्लीमेंट ऑन द अर्थ, यू हैव टू एडेयर टू। तो ऐसा नहीं कि अब कोई आप कह के चले गए और फिर इसके बाद आप बैठ जाएं तो जो वादे किए थे उनका क्या हश्र है सबको पता है जी। और मैंने जो वादे किए थे, हमने 17 में जो वादे किए थे संकल्प पत्र में, हमने उनको पूरा किया, तभी तो हम बम्फर मेजॉरिटी के साथ दोबारा सरकार बनाए हैं। तो अब की बार जो हम वादे करेंगे अभी से 135 जो हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र में जो वादे हैं उसमें से आउट ऑफ 135 93 तो हम इसी बजट में लेके आ गए हैं। इसी बजट में 93 को हम आच्छादित कर रहे हैं, बाकी जो बचे हैं उनको हम आगे कर लेंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ अर्थशास्त्री अजय शुक्ला जी, अजय प्रकाश जी जुड़े हुए हैं। अजय जी, बजट आ गया योगी सरकार 2.0 का, किस तरह से इस बजट को देखते हैं और आम जनता के लिए कितना कल्याणकारी होगा ये बजट? ये जैसा अभी कहा कि 6.15 करोड़ जो है अभी से बजट है, अब तक का सबसे बड़ा बजट है। बजट में हम लोगों ने जो प्रोविजंस हैं इसलिए काफी अच्छे भी कर लिए हैं, और अगर आप प्रोविजंस देखें तो ये सब तरफ हैं, महिलाओं के लिए हैं, श्रमिकों के लिए हैं, वृद्धों के लिए हैं, दिव्यांगजनों के लिए हैं, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के लिए हैं, सड़क नई जो है उनके बनाने के लिए हैं, पुरानी सड़कों के रिपेयर के लिए हैं, ग्राम में गांव में जो है वो नई सड़कें बिछाने के लिए हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी इसके अंदर स्कीम्स जो है वो पुट अप करी गई हैं, इरिगेशन वाटर रिसोर्सेज इसके लिए भी है, मेडिकल यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश करने के लिए है, 2100 करोड़ से जो है वो एक और लखनऊ में भी जो है वो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करी जा रही है, एनर्जी के लिए है। तो एक तरीके से देखा गया है कोई चीज इसके अंदर छोड़ी ना जाए, जहां तक कवर हो सके वो सारे की सारी चीजें कवर कर ली जाए। तो ये अपने आप में मैं तो कहूंगा कि एक ड्रीम बजट है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये तभी हमारा जो है ड्रीम बजट अचीव हो सकता है जब हमारे पास जो रेवेन्यूज है वो जो शॉर्टफॉल है, जिस प्रकार से पहले भी शॉर्टफॉल हुई, वो शॉर्टफॉल ना हो। अगर हमारे पास जितना हमने कहा है उतना हमको मिल जाता है तो फिर ये अपने आप में सारी चीजें सब लोगों के लिए पूरी हो रही हैं। एजुकेशन में जरूर जो है थोड़ा सा और इसके अंदर एक ध्यान देने वाली बात है जो हम लोग पुटअप कर सकते हैं आगे बजट में जी। वो ये है कि जिस जगह पे हम टेक्निकल ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं हमें सारे की सारी चीजें चाहिए, तो टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए हमारे पास कुछ और इंस्टीट्यूशंस पे हम थोड़ा सा अमाउंट और ज्यादा जो है वो फोकस कर सकते थे। तो ये है, बट अगर हम दूसरी तरफ से देखें तो हर एक जो हिस्सा है जो समाज चाहता है, और खास करके इसके अंदर जो एक समग्र विकास की बात करी जाए तो समग्र विकास भी रखा गया है, जिसमें EWS सेक्शन के लिए भी कई सारी जैसे स्टैम्प ड्यूटी रिलैक्स कर दी गई है, सोशल सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। तो ये जो पॉवर्टी लाइन के करीब के लोग हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले, उनके लिए भी काफी ध्यान रखा गया है। जी जी बिल्कुल, हमारे साथ समाज सेविका पूनम कपूर जी जुड़ी हैं। मैम, जिस तरह से कोरोना काल के बाद से स्वास्थ्य सिस्टम चरमरा गया था, अस्पतालों में भागते दौड़ते दवा और वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के लिए लोग और शमशान घाट पर लंबी लाइनें, स्वास्थ्य विभाग को देखते हुए स्वास्थ्य सेक्टर में भी कई बड़ा एक कोशिश किया गया है कि स्वास्थ्य सेक्टर को भी बहुत इम्प्रूव किया जाए, कितना लाभकारी देखती हैं आप एक समाज सेविका होने के नाते? आपने कोरोना काल के दौरान भी तमाम लोगों की सेवा की है, तो क्या किस तरह से आप देखती हैं कि किस तरह से इस बजट लाभकारी होगा स्वास्थ्य सेक्टर के लिए? पूनम जी को सुन नहीं पा रहे हैं जी। पूनम जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। पूनम जी, मैं अपने पीसीआर से कहना चाहूंगी पूनम जी की आवाज थोड़ी बढ़ा दी जाए, पूनम जी की आवाज सुनने में कठिनाई आ रही है। हेलो जी। जी पूनम जी, अपनी बात रखें आप। हाँ, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं सदस्य राज्य महिला आयोग, महिलाओं
शोषित पीड़ित महिलाओं के लिए मैं कार्य कर रही हूँ। और जहाँ तक आपने मुझसे पूछा कि ये बजट जो आया है स्वास्थ्य के लिए, तो कोरोना का जो सेकंड फेस आया था, निश्चित रूप से वो बहुत ही हम लोगों को बहुत कष्टकारी था वो फेस हमारे लिए। और जिस तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उस पीरियड कालखंड को संभाला था और उस आपदा को दूर किया था, ऑक्सीजन की कमी दूर हुई थी, निश्चित तौर पे ये सरकार हमारी हर क्षेत्र में काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में ये अभी तक की सरकारों में ऐतिहासिक बजट है, प्रदेश के विकास का बजट है, महिलाओं बच्चों और युवाओं को मजबूती प्रदान करने वाला बजट है। इसमें चूंकि महिलाओं से संबंधित मैं हूँ और हमारे महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 3 महिला पीएसी बटालियन गठित हो रही हैं, लखनऊ, बदायूं और गोरखपुर में। हमारी मिशन शक्ति को कामयाब बनाने के लिए 20 करोड़ का बजट दिया गया है और हमारी बच्चों को 5 साल में 2 करोड़ फोन और लैपटॉप बांटे जाएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो हमारी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है केंद्र सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की, इसके तहत टॉपर छात्राओं को लैपटॉप वितरित होगा। और जो हमारा एक लक्ष्य है कि जो वृद्धावस्था पेंशन होती है उसको बढ़ा के 500 से 1000 किया गया है। दिव्यांग बच्चियों का जो अनुदान 300 था उसको बढ़ाकर 1000 रुपए किया गया है। और हमारी जो एक सरकार की रीढ़ होती है आशा हमारी बहनें, उनके लिए 300 करोड़ का ये बजट आया है। इतना ही नहीं, निराश्रित महिलाएं जो हैं उनके लिए 1000 रुपया इस बजट में प्रावधान दिया गया है। हर तबके का ध्यान दिया गया है, गांव गरीब किसान का ध्यान दिया गया है, युवाओं का ध्यान दिया गया है। और उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक बजट है, हमारी आंगनबाड़ी की जो बहनें हैं वो उनको प्रोत्साहन उनका करने के लिए 1500 रुपए प्रोत्साहन राशि उनको देने का प्रावधान है। इतना ही नहीं, मिशन शक्ति के तहत, महिला सशक्तिकरण के तहत, MSME के तहत, कौशल विकास योजना के अंतर्गत हमारे बहनों को सशक्त बनाने के लिए 20 करोड़ का बजट इस सत्र में लाया गया है। निश्चित ही ये बहुत प्रभावशाली बजट है, हमारे देश प्रदेश का विकास करने वाला बजट है और हमारी बहनों को इतना इस बजट के आने से इतना आत्मबल, इतनी खुशी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात तो इस बजट में ये है कि हमारे बहनों को सुरक्षा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के हर जिले में महिला पुलिस बल को बढ़ाने का काम किया गया है। ये सबसे बड़ा हमारे बजट का प्रावधान है, क्योंकि अभी तक हमारी बहनें जो हैं, कुछ वर्ष पहले तक हमारी बहनें थाने में जाती थी, महिला पुलिस उसको नहीं मिलती थी, लेकिन इस सरकार 02 के आने के बाद और इस सरकार 01 में मिशन शक्ति के तहत और हमारे हेल्प डेस्क थानों में जो खुले हैं, इससे निश्चित तौर पे हमारी महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी और बल मिलेगा। जी बिल्कुल पूनम जी, कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार भाजपा सरकार के दावे और वादे थे कि महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा, इस बिल में कहीं ना कहीं महिलाओं की सेटिस्फेक्शन दिख रही है, महिलाएं इससे खुश होंगी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं नितेंद्र यादव जी। नितेंद्र यादव जी, बजट पेश होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तरफ से एक बयान आया था, बजट नहीं बंटवारा है, किस तरह से ये बंटवारा आप लोग देखते हैं? नितेंद्र यादव जी, आप देख रही हैं इस बजट में किसानों को, नौजवानों को पूरी तरीके से हताश किया गया है। इस बजट में हम संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी के लोग कह करके आए थे कि हम आएंगे तो लोगों की आय को दोगुना करेंगे जी। आज मैं पूछना चाहता हूं कि इस बजट में आय को दोगुना करने का ऐसा कौन सा प्रावधान लेके आया गया है? महंगाई किस स्तर से बढ़ी जी हो चुकी है और इसके बाद में लोगों की आमदनी कोरोना के बाद से घटने का जो क्रम शुरू हुआ वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। और जो किसानों को मुफ्त सिंचाई का वादा किया गया था पहले बजट से, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि किसानों को मुफ्त सिंचाई देंगे, आम लोगों को बिजली के दाम आधे करेंगे, इसमें कहां बिजली का कोई प्रावधान है? बिजली के रेट बढ़ाए गए हैं, प्राइवेट ट्यूबवेल बिजली में तो 50% की छूट दी गई है ना, बिल में तो ये है ही कि प्राइवेट ट्यूबवेल के बिजली बिल में 50% की छूट है। जी शीतला जी, देखिए 3 पार्सियलिटी नहीं चलेंगी,
आपने अनिल शुक्लवारसी जी को पूरा बोलने दिया, नहीं आपने टोका। जी बस मैं आपको बता रही थी, बस सुना सुना ही नहीं, हमें पता है, मैं बोलने बैठा हूँ, मैं पढ़ के बैठा हूँ, मुझे सब पता है कि क्या बोलना चाहिए। और पूनम जी भी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता है, महिला आयोग की सदस्य है, हमारी बड़ी बहन है, मैं जानता हूँ, उनको भी नमस्कार कर रहा हूँ, उनको भी आपने टोका नहीं। हमारे अजय प्रकाश जी भी जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी से, उनको भी आपने नहीं टोका, मेरे बोलते ही आपने टोक दिया, मुझे बुलाया मत करिए, क्या मतलब जी? बस मैंने आपको बताना, एक बार जरूरी समझा, अपना पक्ष रखिए। गलत बात है, बजट नहीं बंटवारा है, इस पे अखिलेश यादव ने जो बजट पे कही थी, आप बताएं कि किस तरह से बंटवारा है ये? बता तो रहा हूँ, बंटवारा नहीं, तो कहिए कि दरबार, ये कागज में कहीं उतरने नहीं जा रहा है, ये 40,000 करोड़ रुपए की बात जो बार बार कही जा रही है इन्वेस्टमेंट आने की, मैं पूछ रहा हूँ, ये 40,000 इन्वेस्टमेंट, इससे पहले ये पहली सरकार नहीं है, जो योगी जी की दूसरी सरकार है, और इससे पहले 5 वर्ष सरकार में थे, तो इन्वेस्टर मीट बड़ी बड़ी लखनऊ के अंदर की गई, मैं जानना चाहता हूँ इन्वेस्टर मीट में कितना इन्वेस्टमेंट आया था, और प्रदेश में कितने नए रोजगार के अवसर प्रदान हुए, कितनी इंडस्ट्री लगी थी, ये वो बंटवारे की बात की जा रही है। और आपने रेड़ी पटरी वालों के लिए क्या इसमें कोई एक करोड़ प्रावधान किया है? किसानों को आपने मुफ्त बिजली देने का वायदा किया था, क्या उसको इसमें कहीं इम्प्लीमेंट करने का काम किया है? आपने लड़कियों के लिए स्कूटी देने का वायदा किया था, क्या इस बजट में कहीं महिलाओं के लिए स्कूटी का कहीं कोई प्रावधान है क्या? और आपने जिस तरीके से राशन कार्ड के और राशन के नाम पर धोखा करने का काम सरकार ने किया, 3 तरीके के राशन कार्ड है, APL है, BPL है, अंत्योदय है, और अंत्योदय के नाम पर जिस तरीके से पहले जिस तरीके से बजट कोरोना काल के बाद लोगों की आमदनी घटी, लोगों का पलायन हुआ गांवों की तरफ, और उनको पिछली सरकार ने तो राशन कार्ड इशू किए थे, और अब आपने कह दिया कि ये अपात्र हो गए और राशन कार्ड सरेंडर कर दीजिए, लोगों में भय है, आप 24 रुपए किलो गेहूं और 32 रुपए किलो चावल की रिकवरी करने जा रहे हैं, तो मेरा ये प्रश्न है कि क्या ऐसा? और आपने जो बजट में घोषणा की है कि अंत्योदय को 2 सिलेंडर देंगे, मैं पूछना चाहता हूँ कि जब अंत्योदय की श्रेणी में जो है नी गरीबी से भी वहां गरीबी की स्थिति में, तो उनको जिनके घर में आप पक्का मकान ना हो, जिनके पास गैस टीवी ना हो, जिनके पास मोटरसाइकिल ना हो, जिनके पास स्मार्टफोन ना हो, उनको देने की बात कर रहे हैं? आज गांव हो या शहर हो, ऐसी कोई स्थिति है क्या जहाँ पर कोई पक्के ईंट का, तमाम गरीब लोग रहे जिनको सरकारों ने आवाज के नाम पर, चाहे लोहिया आवाज रहा हो, जनता आवाज रहा हो, या पिछली सरकार में माननीय मुख्यमंत्री अम्बाल की तहत तमाम सारे आवाज इलाज किए गए, तो वो कोई अमीर आदमी नहीं होते हैं, वो भी गरीब होते हैं, आप उनको उससे वंचित करने का काम कर रहे हैं, और इसके बाद भी सरकार अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है, राज्य में रोजगार बेरोजगारी दर को किस तरीके से आज मूल्यांकन करने का काम किया है, और सरकार ने झूठ बोलने का काम किया है। मार्च 2017 जब अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री का आखिरी कार्यकाल था, और जब उन्होंने मार्च 2017 में भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी जी को अपनी सत्ता हस्तांतरित की थी, उस दिन बेरोजगारी दर जो थी 2.4 थी, और आज वो 4.8 हो गई, सरकार छूटे आंकड़े प्रस्तुत कर रही, तो इस तरीके से जो आंकड़ों की जादूगरी करने का काम सरकार ने किया है। आपने किसानों के लिए कहा था कि हम उनको यूरिया खाद उपलब्ध कराएंगे, कीटनाशक, क्या यूरिया खाद और DAP के बारे में कोई प्रावधान है? बल्कि नीम कोटेड यूरिया जब देने की बात आई, उसके रेट बढ़ा दिए गए, और बोरी में 5 किलो वजन कम कर दिया गया, बोरी मार किसानों के ऊपर पड़ी, तो किसान इससे हताश हुआ है, जो नौजवानों को रोजगार के कोई अवसर नहीं प्रदान किए गए, कोई भर्ती कोई वैकेंसी अभी तक नहीं आई, पिछली सरकार में 4 लाख रोजगार का बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए थे, इस सरकार में भी माननीय संसदीय मंत्री जी ने बजट में कहा कि हमने 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया है, मैं पूछना चाहता हूँ 4.5 लाख रोजगार जो है वो किस किस विभाग में कहाँ कहाँ कैसे कैसे दिया गया, कभी उसका डाटा भी जारी कर देती सरकार? तो सरकार सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रही है, जो प्रावधान है कि 6.5 लाख करोड़ का बजट बढ़ा करके प्रस्तुत किया गया, ये परंपरा है कि हमेशा बजट बढ़ा करके प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन कितनी महंगाई पर बढ़ी है हमारे अर्थशास्त्री बैठे हैं अजय प्रकाश जी, बिल्कुल बिल्कुल, महंगाई कितनी बढ़ी है, और उसी के रेशियो में बजट प्रस्तुत किया गया है, लेकिन क्या इन्वेस्टर मीट के माध्यम से कोई इन्वेस्टमेंट आया है?
क्या लोगों को आगे रोजगार मिलने जा रहा है, क्या किसानों को बिजली आप मुफ्त देने जा रहे हैं, क्या उनको आप सिंचाई के संसाधनों में कीटनाशक दवाइयों में कुछ छूट देने का प्रावधान लाए हैं, बिल्कुल नितेंद्र जी बिल्कुल मदद देने जा रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल, बिल्कुल नितेंद्र जी, जो प्रदेश की जनता है उसको बिल्कुल सारे लाभ मिलने चाहिए। और जो आपके सवाल हैं, जो आपके मुद्दे हैं, ये मुद्दे उठाने के लिए आपके पास 5 साल है सदन में। बस जनता एक चीज की उम्मीद रखती है कि भाषा का मर्यादा सदन में रखा जाए। हम खैर महिलाओं की जो योजनाएं हैं उसका जवाब हमें पूनम कपूर जी देंगी, लेकिन उसके पहले मैं अनिल शुक्ला जी के पास आऊंगी, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ बैठे हुए। आप किस तरह से जो इल्जाम लगाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि जिस तरह से फ्री बिजली देने के वादे किए गए थे, किसानों की आय दुगनी कहे जाने की बात कही थी, 1 ट्रिलियन जो इकोनॉमी है उसकी तरफ किस तरह से अग्रसर है उत्तर प्रदेश? देखिए, जब कभी भी कोई किसी पे आरोप लगाया जाता है जी, तो पहले अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए, क्योंकि एक उंगली तो उठती है सामने वाले की तरफ, बाकी 3 उंगलियां अपने तरफ उठती। हमने मान लिया कि 2012 से लेके 2017 तक बहुत अच्छा काम किया अखिलेश ने, सारे काम कर दिए, सारी योजनाएं ले आए, सब कुछ ले आए, लेकिन फिर जनता ने उनको क्यों नकार दिया? 212 से 45 पे कैसे आ गए? अगर सब कुछ सही किया था तो पहले तो अपना असेसमेंट खुद करना चाहिए, जनता तो बाद में करेगी। रही गई बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी 17 में आई और फिर 22 में दोबारा फिर प्रचंड बहुमत से आई। जितना हो हल्ला काटा इन लोगों ने, उसका नतीजा इनके सामने है जी। तो जनता ने कहीं ना कहीं हमारे कामों पे मोहर लगाई है ना जी, हमने जो वादे किए थे उनको पूरा किया, तभी तो आए जी। बिल्कुल बिल्कुल। और आज जो समय अब राजनीति का आ गया है जी, जी। अब कोई हो अल्लाह करके, कोई गुंडागर्दी करके जी, कोई झूठे वादे करके, बिल्कुल बिल्कुल अनिल शुक्ला, अब जो है अब आदमी जो है राजनीति नहीं कर सकता है जी। अगर वो करेगा तो वो रिजल्ट इसी तरह के आएंगे। अनिल शुक्ला जी, जहाँ तक मैं इनके बात का जवाब दे दूं, मेरे पुराना खैर छोड़िए, तो मैं केवल इतना बताना चाहता हूँ कि 2022-23 में 15,000 सोलर पंपों के लिए बजट में प्रोविजन है, जिसमें 60% गवर्नमेंट का स्टेक है, 40% किसान का स्टेक है, और अगर ये सोलर पंप 5 किलोवाट का लग जाता है जी, तो मैं जी, समझता हूँ फिर बिजली का कोई मतलब नहीं, मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी हो जाएगा। बिल्कुल। इसी तरीके से एक मिनट और लेंगे, इसी तरीके से जैसा इन्होंने कहा कि उर्वरक का 119.30 लाख टन मैट्रिक टन उर्वरक का भी बजट में प्रोविजन किया गया, जिनको लोगों को किसानों पहुंचाना है। 34,307 राजकीय नलकूप हैं जिनसे लोगों को पानी मिल रहा है, और लघु सिंचाई योजना के लिए 1,000 करोड़ का भी इसमें प्रावधान किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तमाम जो चीजें हैं, आपके पास वापस आऊंगी। अभी हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव जी, आप पूरे बिल के दौरान जनता के बीच मौजूद थे, आपने जनता से जाना किस बिल से आम जनता, गरीब जनता कितनी सेटिस्फाइड है, तो जनता का क्या व्यू है गौरव जी, जनता का क्या कहना है, जनता कितनी खुश है इस बिल से और क्या कुछ उम्मीदें हैं अब उसको? विकास की बात अलग होती है तिथला, और यहाँ पर जनता को उम्मीद केवल महंगाई से रहती है कि महंगाई जिस तरह से लगातार बढ़ रही है और महंगाई दर जिस समय लगातार बढ़ती जा रही है, वही जनता की चिंता का सबब है, वही कारण है। और महंगाई में कटौती करने के यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं दिया गया है, जनता को किस तरह राहत दी जाएगी वो कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा रोजगार की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 125 करोड़ की बात कही पड़ रही है, पर मेरे ख्याल से जहाँ पर उत्तर प्रदेश की आबादी की बात करें तो मेरे ख्याल से 125 करोड़ की जो अनुदान की बात कही है वो फिलहाल नाकाफी साबित होने वाली है। साथ ही साथ तरह तरह की यहाँ पर योजनाएं की बात की गई है, अमृत सरोवर योजना भी चल रही है, खेती किसानी की बात भी कही है, पर यहाँ पर जो मुख्य बातें करी जा रही थी कि किसानों को लगभग जो सिंचाई के लिए बिजली रहेगी मुफ्त दी जाएगी, जिसके लिए सरकारी खजाने पर 1,800 करोड़ का जो है वो बहन करना पड़ेगा, पर यहाँ पर वो बात भी यहाँ पर नहीं लागू की गई। इसके अलावा ये बात कही गई थी कि महिलाओं को स्कूटी दी जाएगी,
वो बात भी व्यवस्था यहाँ पर लागू नहीं हो पाई है। साथ ही साथ यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि जो महिलाएं हैं और खासतौर पर 60 वर्ष की उम्र की वाली की महिलाएं हैं उनको पूरे उत्तर प्रदेश में निःशुल्क यात्रा की सुविधा होगी, बस यात्रा की। तो तमाम तरह के यहाँ पर प्रयास और कयास लगाए जा रहे थे, पर यहाँ पर बजट जो व्यवस्था है वो निवेश को लेकर, रोजगार को लेकर, आवासीय व्यवस्थाओं को लेकर, सरकार की आने वाली योजनाओं को लेकर ही बनाया गया है। और साथ ही साथ चूँकि ये बजट आगामी सरकार के विकास योजनाओं को लेकर बनाया गया है, इसलिए बेहतर भी साबित हो सकता है, क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा बजट है। पिछली बार 5.5 लाख करोड़ का बजट था, इस बार 6 लाख 15 करोड़ का बजट है। तो निश्चित रूप से बजट इस बार बड़ा है, और अभी इस बजट से आने वाले समय में क्या क्या कीर्तिमान स्थापित होंगे, क्या क्या बेहतर होगा, क्योंकि अब यहाँ पर 3 जून को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होनी है, 75,000 करोड़ के निवेश की वहाँ पर बात की जा रही है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को फायदा होगा, पर जो उम्मीदें कुछ और लगाई जा रही थी महंगाई को लेकर, और 1800 करोड़ के जो बहन के साथ सिंचाई में मुफ्त बिजली की बात की जा रही थी, स्कूटी की बात की, वहाँ वो जरूर जो इच्छाएँ थी, जो बात सरकार द्वारा कही जा रही थी वो पूरी नहीं हुई है। पर बजट की बात करें, बजट बहुत बड़ा बजट है और उत्तर प्रदेश सरकार का अब तक सबसे बड़ा बजट कहलाया जाएगा, और साथ ही साथ आगामी योजनाओं को देखते हुए ये बजट फायदेमंद साबित होगा। जी बिल्कुल गौरव, कोविड के दौरान भी आप जनता के बीच में रहे हैं, आप लगातार जनता के बीच में कोविड के दौरान रहे हैं, ऐसे में जब डॉक्टर और नीट की जो हड़ताल है जब चल रही थी उस वक्त भी आप छात्रों के बीच में रहे हैं, ऐसे में गौरव स्वास्थ्य महकमे को लेकर, क्योंकि स्वास्थ्य एक अहम मुद्दा है, क्योंकि जो कोविड की महामारी में हमने झेला है उसके बाद स्वास्थ्य अहम मुद्दा है, जो स्वास्थ्य को लेकर के बजट पेश किया गया है उससे कितनी सेटिस्फाई है जनता और उस पर जनता का क्या विचार है? नहीं, स्वास्थ्य को लेकर तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लगातार उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, वो लगातार औचक निरीक्षण कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। अभी आपने देखा है सरोजनगर में जनता का क्या कहना है आज की बिल पे, पकड़ी लोहिया गौरव, जनता का क्या कुछ कहना है आपकी बिल पे? जनता का तसला ये कहना है, देखिए अगर कोविड की अगर हम बात करें, महामारी के समय की बात करें, तो जनता को अस्पताल में बेड चाहिए, नॉन रेस्ट्रिक्शन चाहिए, इसके अलावा ऑक्सीजन प्लांट में कहाँ तक बात हो पाई है, कितने ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा चुके हैं, और जो सरकार जिले जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कह रही है, जहाँ जहाँ बनाए गए वहाँ पर सुविधाएं कौन कौन सी दी गई है, और साथ ही साथ यहाँ पर डॉक्टरों को कितनी भर्ती होगी, नर्सों की कितनी भर्ती होगी, पैरामेडिकल स्टाफ की कितनी भर्ती होगी, ये गौरतलब होगा। क्योंकि अगर आप सुविधा दे देते हैं, अस्पताल बना भी देते हैं, तो यहाँ पर आपको अस्पताल में सुविधाओं की मुहैया भी कराना पड़ेगा, स्टाफ भी मुहैया कराना पड़ेगा, इसके लिए सरकार द्वारा बजट आवंटित किया गया है, और आने वाले समय में बजट के माध्यम से कितनी भर्ती हो पाती है, कितना बेड बढ़ेंगे, ऑक्सीजन सेंटर कितने बनेंगे, प्लांट कितने लगाए जाएंगे, ये देखने वाली बात है, क्योंकि अभी भी महामारी चल रही है और भारत में लगातार मामले बढ़। जी गौरव, मैं आपको रोकना चाहूंगी, बिल्कुल देखने वाली बात है, और महिलाओं का मुद्दा भी है। मैं हमारे साथ पूनम कपूर जी जुड़ी है। पूनम जी, जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है कि महिला लड़कियों को स्कूटी देने की बात कही गई थी और तमाम तरह की चीजें वो इस बिल में नहीं है, तो किस तरह से देखती हैं आप इसको? नहीं, लड़कियों को स्कूटी देने की बात कही गई है, अगर बात कही गई है तो निश्चित मुझे यकीन है कि ये योगी जी की सरकार है, यहाँ जो कहा जाता है वही करा जाता है। तो ऐसा नहीं है पूनम कपूर जी, बिल में इस तरह। एक बात और कहना चाहूंगी, ये 2012 से 2017 तक आपने भी सरकार देखी है जी, और 2012 से 2017 तक जब हम अखबार उठाते थे सवेरे का, तो सब हेडिंग होती थी, कई जगह छपा होता था कि आज बेटी खेत में निकली, शौच के लिए निकली, उसको घसीट लिया गया, और थाने पे कोई सुनवाई नहीं होती थी, किसी भी थाने में कभी कोई सुनवाई नहीं होती थी, अपराधी को थाने से ही छोड़ दिया जाता था। आज मैं गर्व से कह सकती हूँ उत्तर प्रदेश की बेटियों की तरफ से कि हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार है, यहाँ कभी नहीं कहा जाएगा कि लड़के हैं लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, यहाँ कोई गलती नहीं किसी लड़के से होने देंगे। अगर हमारी बहन के साथ, बेटी के साथ किसी ने भी कोई छेड़खानी या कोई हरकत की, कोई भी अन्याय हुआ, तो उसको जेल के अंदर सलाखों के पीछे डालने का काम योगी सरकार निश्चित करेगी। जी बिल्कुल पूनम कपूर जी, हम उम्मीद भी यही करते हैं, एक महिला होने के नाते मैं खुद भी महिला सुरक्षा की उम्मीद रखती हूँ कि महिलाएं प्रदेश में सुरक्षित हो, क्योंकि आप भी भली भांति इससे रूबरू है कि महिलाओं के साथ किस तरह से होता आया है, और अब महिलाओं को कहीं ना कहीं सुरक्षा मिली है, और इस बिल से हमें उम्मीद है कि महिलाओं को सुरक्षा मिले, महिलाओं को रोजगार मिले, महिलाएं इंडिपेंडेंट बने। हमारे साथ अन्याय नहीं होने देंगे, जी बिल्कुल अन्याय नहीं होने देंगे, और निश्चित मान लीजिए कि योगी जी की सरकार के होते हुए जीरो टॉलरेंस पे काम होगा, और अगर कहीं कोई अपराध घटित होता है, अगर कोई ऐसा कांड होता है,
तो निश्चित अपराधी जेल की सलाखे के पीछे तुरंत जाएगा, उसमें देर नहीं लगाई जाएगी। मैं बस एक बात कहना चाहूंगी महिला होने के नाते, क्योंकि बात महिलाओं की हो रही है, जीरो टॉलरेंस बहुत अच्छी चीज है और होनी चाहिए जीरो टॉलरेंस। रिपोर्ट लिखी जाती है, मैं खुद भी इससे सहमत हूं कि तुरंत एफआईआर होता है, लेकिन एक महिला होने के नाते मेरा सबसे बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश सरकार से या किसी की भी सरकार हो उससे यह है कि महिलाओं के साथ कोई अपराध होता ही क्यों है, उस पे रोक लगना चाहिए। होने के बाद बिल्कुल होने के बाद एफआईआर दर्ज होगा, टॉलरेंस नहीं किया जाएगा, बहुत अच्छी चीज है और यह हो रहा है, ये हम सभी देख रहे हैं, लेकिन मैं ये उम्मीद करती हूँ कि महिलाओं के साथ कोई अपराध होता ही क्यों है, इतनी हिम्मत आती कहां से उन बदमाशों में, क्यों महिला के साथ किसी घटना को अंजाम देते हैं, उन बदमाशों के हौसले कम होने चाहिए। मैं कहना चाहती हूँ अपनी बेटियों बहनों को सशक्त बनाने के लिए कि हम माँ बाप हैं, और जब हमारी बेटी रात में 8 बजे घर आती तो उससे तो हम पूछ लेते हैं कि तुम इतनी देर से क्यों आई, लेकिन कभी हमने अपने बेटे से नहीं पूछा कि तुम 10 बजे तक बाहर क्यों हो और कहां से चले आ रहे हो। तो जिस दिन हम अपने बेटों को भी पूछना शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं अपराध में कमी आएगी, और अपराधी कभी कभी इतनी गंदी मानसिकता का होता है, इतनी विकृत मानसिकता का होता है कि वो ये उस समय तो वो नहीं समझ पाता कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन जब उसको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है तो निश्चित उसको अपनी करनी पे पछतावा होता होगा कि भविष्य में हम ऐसा ना काम करें, क्योंकि कई अपराधी मैंने देखे हैं जो गले में तख्ती बांध के थाने पहुंचते हैं कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ मुझे बचा लो, और यही समय आएगा कि यहां से अपराधी या तो भागेगा उत्तर प्रदेश से या तो पलायन करेगा। बिल्कुल हम इसी की उम्मीद करते हैं। पूनम कपूर जी, फिलहाल आज का हमारा मुद्दा है बजट, हम बजट पे वापस आते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से नितेंद्र यादव जुड़े हैं। नितेंद्र यादव, बिल्कुल समाजवादी पार्टी लगातार मेहनत करती रही है, देखिए अब उसको सदन में भी मौका मिला है, किस तरह से अपनी आवाज जो अब सदन में बुलंद करेगी समाजवादी पार्टी, और बजट को लेकर के किस तरह से अब विपक्ष के रूप में मजबूती से दिखेगी बिल पर। सुषमा जी, जब मैंने अपना पहला सेशन कंक्लूड किया था उसके बाद आपकी टिप्पणी से समापन हुआ था कि अब आप सदन में आपको मौका मिलेगा और भाषा की मर्यादा पर ध्यान रखा जाए। मैं बात को वहीं से फिर से स्टार्ट करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है कि भाषा की मर्यादा की शुरुआत जो है जहाँ से हुई थी उस परंपरा को आगे बढ़ाया, क्रिया की प्रक्रिया होती है, क्योंकि माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके की निजी टिप्पणी की सदन में वो भी निंदनीय थी, और उसकी जो प्रक्रिया थी वो भी भावावेश की थी, वहां से खत्म हो जानी चाहिए थी। मैंने कल भी अपनी चैनल की डिबेट में बात को रखा था, और आज हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से दो दो वरिष्ठ लोग बैठे हैं, दोनों मेरे आदरणीय है, हमारे सांसद जी बैठे हैं अनिल शुक्ला वारसी जी, इन्होंने भी आज शुरुआत की, इन्होंने भी दूसरे सदन की जो शुरुआत की वो भी उसी भाषाई मर्यादा को, उनका अखिलेश है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आदरणीय शुक्ला जी जो हैं, ये इनका राजनीतिक करियर की शुरुआत ही अखिलेश सिंह फैंस एसोसिएशन से हुआ था, उसके प्रदेश अध्यक्ष के नाते, ये समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष थे और मैं इनके साथ यूथ का महानगर अध्यक्ष रहा हूँ, इसके बाद ये बहुजन समाजवादी पार्टी में है और आज ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, और इन्होंने शुरुआत भी वहीं से की। तो दूसरों से आप भाषाई मर्यादा की उम्मीद कैसे करते हैं, इन्होंने कहा भी था हमारे बारे में, मैं कहता हूँ मेरे बड़े भाई, मैं इनका छोटा भाई हूँ, उनका ये मेरा, फिर इसके बाद उनका ख्याल छोड़िए उस बात को, वहां से बात को इन्होंने डाइवर्ट कर दिया था, तो मैंने उस बात को पूरा किया। ये हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, जनता ने मुझे विपक्ष में बैठ करके जो जनादेश दिया है मैं उसका बखूबी पालन करूंगा सदन में भी और पार्टी तर्कों में भी, क्योंकि हम जनता के लिए, हमारी बड़ी बहन बोल रही थी महिला सुरक्षा, और आपका प्रश्न भी था कि इन लोगों को ये हिम्मत कहाँ से आती है कि इस तरीके के घिनौने अपराध करें, सजा तो बाद में होगी जीरो टॉलरेंस की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी पुलिस से गलत काम करेंगे या पुलिस से कहेंगे ठोक दो उसको निरंकुश करोगे तो निश्चित रूप से पुलिस के हौसले बढ़ेंगे, अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे, और नतीजा ये आएगा कि थाने के अंदर जांच करने वाला एसओ भी महिला से बलात्कार कर देगा। ये हौसले गलत नीतियों से आते हैं कि जब हम पुलिस से
गलत काम करेंगे, उसका सत्ता का दुरुपयोग कराएंगे, तो ऐसे अपराधियों के भी हौसले बिल्कुल नितेंद्र यादव जी, महिला सुरक्षा को लेकर मैं खुद भी कई बार सवाल उठाती हूँ और मैं खुद भी ये बात कहती हूँ, सरकारें चाहे जो भी हो, महिलाओं की हालत जस की तस रहती है। बड़े बड़े दावे और वादे तो खड़े किए जाते हैं महिलाओं के लिए, मेरी बात सुनिए, जब चुनाव आता है तो सभी दावे करते हैं, सभी महिलाओं को लेकर वादे करते हैं, सभी को महिलाओं का वोट चाहिए, लेकिन महिला सुरक्षा की जब बात आती है तो कोई भी उस पर आज तक खरा नहीं उतरा। मैं सारे रिपोर्ट और अपने ग्राउंड के एक्सपीरियंस से बात कह रही हूँ। खैर, समय की थोड़ी कमी है नितेंद्र यादव जी, हम चर्चा बिल्कुल बिल्कुल मैं जोड़ूंगी। हमारे साथ अनिल, हमारे साथ अजय प्रकाश जी अर्थशास्त्री जुड़े, एक फाइनल कमेंट मैं उनसे चाहूंगी आज के बिल पे। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ यह बिल कितना हमें आगे लेकर के जाता है, कितने बिंदु हम आगे जाएंगे अपने इकोनॉमी की तरफ इस बिल से उत्तर प्रदेश के लिए जो आया है? अजय प्रकाश जी, अजय प्रकाश जी से हमारा संपर्क टूट गया है। अनिल शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल शुक्ला जी, एक फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगी आज के बिल पर, किस तरह से आज का जो बिल आया है वह अब जमीन पे आएगा, उस पर कार्य किया जाएगा और कितना लाभ मिलेगा उत्तर प्रदेश की जनता को उस बिल का? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि सरकार एक ऐतिहासिक बिल लेकर के आई है जी, और सभी वर्गों को छुआ गया है, कोई किसी को छोड़ा नहीं गया। विपक्ष में बैठे जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका होती है कि वो उस बजट का पूरी तरह से अध्ययन करे और जहाँ कहीं कोई कमी हो उसको उजागर करे और जहाँ अच्छा काम हुआ उसको अप्रिसिएट करे। बिल्कुल, क्योंकि 5 साल तो अब का चुनाव हो गया तो चलना है, हमको सत्ता में रहना है, आपको विपक्ष में रहना है। अब केवल लेकिन है क्या, हिंदुस्तान में एक लोगों में कल्चर बन गया है कि कितना भी अच्छा काम करो उसका विरोध करना है, विरोधी करना है। जहाँ तक रही बात, चूंकि महिलाओं के बारे में काफ़ी बातें हो गई हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहली बार ऐसा हुआ है कि हर थाने में महिला डेस्क बनी, उनके लिए अलग कमरा बना, उनकी बात सुनने के लिए अलग से महिला दरोगा और सिपाही बैठे। इसके बाद हर जिले में महिला थाना बना, इसके बाद आप 1 स्टॉप सेंटर बना, जहां अगर महिला चाहे पारिवारिक हिंसा की वजह से आवे या पास्को में आवे, वो एक तरीके से जैसे इमरजेंसी हॉस्पिटल में होती है, दैट इज ए फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ द पर्सन, तो वो वहां पे आई तो उसको पूरी तरीके से लोग उसको गाइड करते हैं, समझाते हैं, समझा करके घर जा सकती तो घर वापस भेज देते हैं, नहीं तो उसको सुरक्षित जगह पे भेज देते हैं। अब इसके बाद 3-3 बटालियन बनने जा रही महिलाओं की, महिलाओं के पुलिस में बीट देने का 1535 थानों में उनको जगह जगह पे 1400 से ऊपर बीट देने का काम किया गया, तो महिलाओं को हर तरह से सशक्त किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश नहीं केंद्र की सरकार भी। आज जो है, आज महिलाएं केवल हवाई जहाज नहीं उड़ा रही, अब तो फाइटर जेट भी लेके चल रही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये आप जो है बिल्कुल, इसलिए इसलिए ये आपको रोकना, मैं केवल एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा, ये उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार, ये पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत को एक नए भारत में कन्वर्ट करने के लिए रात दिन काम कर रही है। अभी तो नाउ वी आर डेवलपिंग कंट्री, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इन द डेवलप्ड कंट्री, एंड द थिंग्स विल बिकम सर्विस ओरिएंटेड, वी हैव टू सर्व डोर टू डोर। आज केवल ये लेकर के केवल हमको बजट की बात नहीं करनी है, बजट की जो चीजें हैं अब मुझे घर घर पहुंचानी पड़ेंगी, तब जाकर के लोग हमको दोबारा अपनाएंगे, नहीं तो आप केवल जाल बजाने से बात बनने वाली नहीं। बिल्कुल अनिल शुक्ला जी, विपक्ष का एक बड़ा अहम योगदान होता है सत्ता में, और हम उम्मीद करते हैं कि पक्ष और विपक्ष दोनों पूरी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश की जनता के हित में कार्य करेगा। ये बिल आने के बाद भी विपक्ष भी बड़ी मजबूती से अपनी आवाज उठाएगा और आम जनता के लिए पहुंचाएगा। फिलहाल आज की चर्चा को मैं यही विराम देना चाहूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह से ये बिल
जिस तरह से ये बिल आने के बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, तमाम तरह के जो राजनीतिक दल है उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। किसी को इस बिल से खुशी है तो किसी को इस बिल से नाराजगी है, लेकिन हर किसी की खुशी नाराजगी ट्वीट बात विवाद से हट कर एक अहम मुद्दा सामने है, वो ये है जनता का मुद्दा। जनता को कितना राहत मिलेगा, जनता को कितना फायदा मिलेगा, स्वास्थ्य सेक्टर हो, चाहे फिर शिक्षकों की बात हो, चाहे फिर विद्यार्थियों की बात हो, सभी को उम्मीद है सरकार से। अब देखना यह होगा कि आगे 5 सालों में जो 4 लाख नौकरी देने की बात कही गई है, नौकरी मिलती है या फिर से विपक्ष और लोग, जनता, स्टूडेंट धरने प्रदर्शन पर बैठते हैं। फिलहाल इस बजट से लोगों को बहुत उम्मीद है और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सबको आज की चर्चा पसंद आएगी। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।